महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के बीच सीटों के बंटवारे पर आर या पार का दिन, बीजेपी शिवसेना ने बुलाई अलग अलग बैठक। नई दिल्ली में मुख्यालय पर अमित शाह से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी, ओम माथुर, विनोद तावड़े और फडणवीस बैठक में। मुंबई के रंगशादरा ऑडिटोरियम में शिवसेना कार्य समिति की बैठक, उद्धव ने कहा हमें नीचा दिखाने की कोशिश ना करे बीजेपी, संकट के वक्त बाला साहब ने दिया था साथ। उद्धव ठाकरे ने दिया नया फॉर्मूला का, 151 सीटों पर लड़े शिवसेना, 119 सीटों पर बीजेपी और बाकी 18 सीटों पर सहयोगी दल। उद्धव ठाकरे ने दिवंगत बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे को किया याद, कहा उनके रहते गठबंधन में सभी चीजें होती थी सामान्य। इससे पहले समाधान की कोशिशें नहीं हो पाई कामयाब, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना मुखिया उद्धव ठाकरे की बैठक बेनतीजा। बीजेपी ने ठुकराया शिवसेना का फॉर्मूला, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने देर रात उद्धव से मिलकर जताई थी नाराजगी। दो जी को मैंने ये बताया आज दोपहर में, शिवसेना की ओर से एक प्रस्ताव हमको प्राप्त हुआ था, मैंने उद्धव जी को कहा है कि हमारी कोर कमेटी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने उद्धव को सुनाया बीजेपी कोर कमेटी का फैसला, शिवसेना के प्रस्ताव को खारिज किया और हमें ये लगा कि उस प्रस्ताव को अगर हम स्वीकारते हैं तो पिछले बार जितनी सीटों पर हम लड़े उससे भी कम सीटों पर हमको लड़ना पड़ेगा। शिवसेना ने बीजेपी को 126 सीटों का ऑफर दिया है, फॉर्मूले के तहत सहयोगियों को 7 सीट देने को तैयार। बीजेपी चाहती है 150 से कम सीटों पर चुनाव लड़े शिवसेना, शिवसेना इसके लिए तैयार नहीं। हमने पहले भी कहा है कि इस बारे में निर्णय लेने का, फैसला करने का पूरा अधिकार पार्टी के नेताओं ने शिवसेना पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे साहब को दिया है। महाराष्ट्र का झगड़ा सुलझाने के लिए आज शाम दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, बीजेपी संसदीय बोर्ड लेगा फैसला। महाराष्ट्र में सीटों को लेकर कांग्रेस एनसीपी में बढ़ा विवाद, कांग्रेस ने कहा 125 सीट दे सकते हैं वरना अकेले लड़ने को भी तैयार। देर रात सोनिया और राहुल के साथ बैठक में हुआ फैसला, पार्टी ने एनसीपी को फैसले की दी जानकारी। कांग्रेस ने साफ कहा हम एनसीपी को 124 सीट से एक सीट बढ़ाकर 125 सीट दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। कांग्रेस ने कहा अगर एनसीपी को हमारा प्रस्ताव मंजूर नहीं तो हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। ये एनसीपी जो कुछ बातों पर जो अड़ी हुई है, अगर ऐसे ही पोजीशन रही तो हमें अलग से चुनाव के लिए जाना पड़ेगा। शनिवार को एनसीपी ने कांग्रेस को दिया था अल्टीमेटम, प्रफुल्ल पटेल ने कांग्रेस को फैसला लेने के लिए एक दिन का वक्त दिया था। एनसीपी ने साफ कहा था अगर कांग्रेस ने जल्द फैसला नहीं लिया तो हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। वो तो मैंने कहा ना, सब पार्टी कोई भी पक्ष जब राजनीति करता है, लोगों के बीच में रहता है और काम करता है तो सभी परिस्थितियों के लिए तैयारी रहती है। एनसीपी ने कहा हमारी आधी सीटों की मांग से कोई समझौता नहीं होगा, हम 144 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। और अब हम जो चाहते हैं कि हमारी जगह 124 से बढ़ाकर आधी आधी मतलब 144 जगह कांग्रेस और एनसीपी के बीच में बंटवारा हो। विनोद कुमार बिन्नी के खिलाफ सड़क पर उतरी आम आदमी पार्टी की महिला विंग, बिन्नी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बिन्नी पर आप नेता अलका लांबा पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप, फेसबुक अकाउंट पर लिखी अलका के खिलाफ अभद्र टिप्पणी। बिन्नी ने आरोपों का किया खंडन, कहा मेरे नाम से किसी ने बना रखा है फर्जी फेसबुक अकाउंट। बिन्नी ने कहा पुलिस को पहले ही दे चुका हूं फेक अकाउंट की जानकारी, पुलिस ने अब तक नहीं की कार्रवाई। हाँ, मेरा एक अपना एक फेसबुक अकाउंट है जिसपे मैं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता, मैं उसे चला ही नहीं पाता हूँ, कभी महीने दो महीने में चार कभी गुड मॉर्निंग बोल दिया उसका। हाँ, एक्टिव है वो मेरा। हाँ, मैंने उसको एक्टिव है और मैं उसको बहुत मुश्किल से कभी दो महीने में चार महीने में बार देख पाता हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं ऐसा करूँ।
कश्मीर घाटी में राहत और बचाव काम में एनडीआरएफ की टीम ने उतारी नई गाड़ी, उन रास्तों पर भी जा सकती है जहां दूसरी गाड़ियां नहीं जा सकती। कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों की मदद में आगे आए सचिन तेंदुलकर, दो ट्रकों में 15 लाख की राहत सामग्री भेजी। सचिन के भेजे राहत सामग्री में खाने पीने के साथ दवाइयां भी, एमपी फंड से भी 25 लाख रुपए राहत कार्य में देंगे सचिन। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का ऐलान, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सांसद कोष से देंगे 50 लाख रुपए। जम्मू कश्मीर में बाढ़ की तबाही के बीच गूंजी किलकारी, 72 घंटे पानी में रहने के बाद असम की एक युवती ने जम्मू रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बेटे को दिया जन्म। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में नर्स की लाश मिलने से सनसनी, स्टाफ क्वार्टर में मिला शव। 45 साल की महिला नर्स की वाटर टब में मिली डेड बॉडी, कमरे में अकेली रहती थी महिला। स्टाफ क्वार्टर में महिला का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के मुरादाबाद में दर्दनाक हादसा, बारिश में सड़क धंसने से महिला समेत 4 लोग सीवर में गिरे। पिछले कई दिनों से सड़क के बीचों बीच चल रहा था सीवर डालने का काम, सीवर में गिरे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी। दिल्ली से सटे नोएडा में मारुति के शोरूम में आग लगने से अफरा तफरी, दमकल कर्मियों ने शोरूम में फंसे 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। क्रेन की मदद से शोरूम में फंसे लोगों को निकाला गया, कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची थी करीब एक दर्जन दमकल की गाड़ियां, आग के कारणों का अब तक पता नहीं। नोएडा में भारी भरकम बिजली बिल और बिजली कटौती से परेशान एक शख्स ने बिजली विभाग के क्लर्क पर फेंका तेजाब, बाद में डंडों से की पिटाई। हमला करने के बाद मौके से फरार हुआ शख्स, अस्पताल में भर्ती घायल बिजली कर्मचारी की हालत नाजुक। इंचियन एशियन गेम्स में भारत को मिला 3रा पदक, 10 मीटर एयर पिस्टल की टीम इवेंट में जीतू राय, समरेश जंग और नंजप्पा ने जीता पदक। इंचियन एशियन गेम्स में जीतू राय ने देश को दिलाया पहला गोल्ड मेडल, 50 मीटर एयर पिस्टल में जीता स्वर्ण पदक। निशानेबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली श्वेता चौधरी के पति प्रशांत चौधरी का आरोप, कस्टम विभाग की गलती से श्वेता नहीं जीत पाई गोल्ड। मेन पिस्टल है जिससे वो रेगुलर प्रैक्टिस करती हैं, वो इंचियन में कस्टम डिपार्टमेंट ने अपने पास रखी हुई है और मैच खत्म होने के तुरंत बाद उन्होंने दे दी। उसका कहना था कि अगर मेरी पिस्टल होती तो मैं डेफिनेटली गोल्ड ही लेके आती। बैडमिंटन में साइना और पीवी सिंधु की अगुवाई में भारत ने सेमीफाइनल पहुंचकर ब्रांज मेडल किया पक्का, आज सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से मुकाबला। चैंपियंस लीग के बेहद रोमांचक मुकाबले में पर्थ स्कॉचर्स ने डॉल्फिन्स को 6 विकेट से दी मात, आखिरी गेंद पर जीता मैच। डॉल्फिन्स ने पर्थ स्कॉचर्स के सामने रखा था 165 रनों का लक्ष्य, मिशेल मार्श ने आखिरी 2 गेंदों पर छक्का लगाकर टीम को दिलाई जीत। चैंपियंस लीग में पंजाब का शानदार फॉर्म जारी, बारबाडोस ट्राइडेंट्स को 4 विकेट से दी मात। बारबाडोस ट्राइडेंट्स ने पंजाब के सामने 175 रनों की लकीर रखी थी चुनौती, पंजाब ने 2 गेंद रहते जीता मैच। पंजाब की ओर से डेविड मिलर ने खेली 46 रनों की पारी, अक्षर पटेल ने 9 गेंदों पर तूफानी 23 रन बनाए। ओएफएम पहुंचकर मीका सिंह की आरजे के साथ फिल्म में मीका सिंह के साथ गायक शान भी नजर आएंगे बतौर अभिनेता। बिग बॉस सीजन 8 के 15 प्रतियोगियों के नाम का ऐलान, स्पॉट फिक्सिंग के आरोपी क्रिकेटर अजीत चंदीला भी होंगे। बिग बॉस में इस बार भी दिखेंगी कई खूबसूरत बालाएं, मिनीषा लांबा और टीवी अभिनेत्री श्रुति कांडपाल भी होंगी। आर्य बब्बर, आरजे प्रीतम, गौतम गुलाटी और प्रवीण भट्ट भी 15 प्रतियोगियों में, सोनी सिंह, करिश्मा तन्ना, दीपशिखा नागपाल भी। महाभारत के दुर्योधन भी बिग बॉस के घर में मारेंगे एंट्री, सीजन 8 में अभिनेता पुनीत इस्सर भी बिग बॉस के घर में दिखेंगे। अभिनेता सलमान खान एक बार फिर से बिग बॉस के होस्ट, इस बार प्रतियोगियों को लेकर अभी से खूब चर्चा।
अपनी फिल्म बैंग बैंग के प्रमोशन में जुटे ऋतिक और कैटरीना, दोनों ने फैशन शो में रैंप पर किया वॉक। ऋतिक ने कैटरीना की जमकर की तारीफ, कहा कैटरीना को देखते हुए फिल्म में ज्यादा की मेहनत। दिल्ली में लॉन्च हुआ 19 लेखकों का लिखा बुक क्रॉनिकल्स ऑफ अर्बन नोमैड्स, सभी को पहली बार किताब लिखने का मिला मौका। रेडोमेनिया ने दिया था नए लेखकों को प्लेटफॉर्म, amazon.com के जरिए बाजार में धमाल मचा रही है किताब। बहुत बढ़िया है क्योंकि ये शॉर्ट स्टोरीज का जो कलेक्शन है, विच इज आई थिंक लोग इसे पढ़ना चाहेंगे।